टॉक्स के 93rd सेशन के अंदर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे मुंबई से मिस्टर हितेश भाई सवाणी जी जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और उपयोगी विषय के ऊपर हमारे साथ बात करने वाले हैं। जैन दर्शन में जो ज्ञान का स्वरूप बताया है, जो ज्ञान के प्रकार बताए हैं, उसके ऊपर आज जैन टॉक्स में बात होने वाली है। तो मैं स्वागत करता हूं मिस्टर हितेश भाई सवानी का। आज का टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले, सबसे पहले मैं क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर का। मिस्टर हितेश भाई सवानी जैन फिलोसॉफी में 2006 से देखिए तो उनका इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से जैनोलॉजी में डिप्लोमा किया और उसके पश्चात उन्होंने एमए भी मुंबई यूनिवर्सिटी से परस्यू किया। एमफिल में उन्होंने शादवाद के ऊपर मिनी थीसिस प्रेजेंट किया और मुंबई यूनिवर्सिटी की जैनोलॉजी डिपार्टमेंट में वो विजिटिंग फैकल्टी रह चुके हैं। एट प्रेजेंट तत्वार्थ सूत्र का एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वे कोर्स डायरेक्टर हैं जो आचार्य भगवान परम पूज्य जगत चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब डहलावाला के मार्गदर्शन में चल रहा है। तो मैं स्वागत करता हूं मिस्टर हितेश भाई सवानी का जैन टॉक्स इस मंच के ऊपर। हितेश भाई आपका स्वागत है, प्रणाम। हाँ, धन्यवाद नील। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जैन टॉक्स का, जो जैन फाउंडेशन जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और उसके माध्यम से जो भी मेरी ये पिछले 15 सालों में मैंने जो गेन किया है वो थोड़ा बहुत शेयर करूँगा उसके माध्यम से। हम शुरू करेंगे, उसके पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, एषो पंच नमस्कारो सर्वपाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। मंगलम् भगवान् वीरो, मंगलम् गौतम प्रभु, मंगलम् भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। थैंक यू सो मच हितेश भाई। आज की सेशन की शुरुआत बहुत ही सुंदर मंगलाचरण से हुई है। डेफिनेटली ये सेशन बहुत ही उपयोगी रहने वाला है और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनके मन में कोई भी प्रश्न 5 प्रकार के ज्ञान को लेके है या ज्ञान से रिलेटेड है तो वो अपनी जिज्ञासा से आज के पैनलिस्ट को पूछ सकते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप आपके प्रश्न भी तैयार रखना और अगर आप डायरेक्टली उनको वर्बली पूछना चाहते हो तो आपको आपका हैंड रेज करना है, मैं आपको पैनल के ऊपर अलाउ करूंगा, आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। आज बहुत ही सुंदर वे से हमें ये वार्तालाप को आगे बढ़ाना है। तो हितेश भाई आप जैन टॉक्स के इस पैनल के ऊपर जुड़े हैं तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि हम जब भारतीय दर्शनों की बात करते हैं तो भारतीय दर्शनों में हमें बहुत सारे अलग अलग दर्शन देखने मिलते हैं, जिसमें वेदांत दर्शन भी है, न्यायिक भी है, सांख्य भी है और जैन दर्शन भी है। तो ये सभी दर्शन ज्ञान की कुछ न कुछ बातें करते हैं। सो आज आप जब जैन टॉक्स के मंच पे जुड़े हैं तो हम जानना चाहेंगे कि जैन दर्शन ज्ञान के बारे में क्या कहता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसके बारे में आपके पास जानना चाहेंगे। भारतीय परंपरा में 6 दर्शन वैदिक परंपरा से और 2 दर्शन श्रमण परंपरा से, 1 दर्शन जो अभी लुप्त हो चुका है चार्वाक दर्शन, वो भी 1 दर्शन रह चुका है लेकिन फिलहाल वो लुप्त हो चुका है। तो इन सभी दर्शनों में अपनी अपनी थियोरीज नॉलेज के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, तो उसके बारे में हर दर्शन अपनी अपनी थियोरी रखता है। जैन दर्शन में भी अपनी थियोरी रखी हुई है। आज हम जब जैन दर्शन के ज्ञान का हम जब स्वरूप समझेंगे, उसके भेद समझेंगे, तो उसके साथ में थोड़ा बहुत हम अन्य दर्शनों के साथ में कैसे हम लोग रिकनसाइल हो रहे हैं वो भी बात करेंगे। जैन दर्शन ये मानता है कि आत्मा जो निबोध से लेकर के, जब निबोध से बाहर निकलता है, निकलती है आत्मा,
तो हर आत्मा में वो काबिलियत है कि वो शिव मतलब जीव से शिव तक की अवस्था को वो पा सकते हैं। कुछ भी ऐसे जीव हैं जिसे हम अभवी जीव कहते हैं, अभव्य जीव कहते हैं, जो मोक्ष नहीं पा सकते, बाकी सारे ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जैन दर्शन में हम आत्मा का स्वरूप जो बताते हैं उसमें हम कहते हैं कि आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य वाला है, यानी कि ये सभी आत्मा के गुण हैं। ज्ञान भी एक आत्मा का गुण है, अनंत दर्शन भी आत्मा का गुण है, आत्मा में अनंत शक्ति है। तो ये जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र या अनंत वीर्य हम जिसे कहते हैं, अनंत सुख जो आत्मा में पड़ा हुआ है, वो हम संसारी जीवों में सिद्ध जीव को जो भी है वो सारे गुणों का आस्वादन अभी भी ले रहे हैं और हमेशा लेते रहेंगे। लेकिन हम संसारी जीव चूंकि हमारी आत्मा कर्म से बद्ध है, तो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो दर्शन है या हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो उसे थोड़ी थोड़ी लुप्त हो गई है, बहुत अंश तक लुप्त हो चुकी है, क्योंकि हमारे ऊपर कर्म का आवरण है जो हमारे ज्ञान गुण को, हमारे दर्शन गुण को पूरी तरह से प्रकट नहीं होने देता है। तो जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान हम जो बोलते हैं, वो एक निश्चय दृष्टि से, यानी कि हमारी पारमार्थिक दृष्टि या तात्विक दृष्टि से हम कहेंगे कि आत्मा में अनंत गुण, अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कर्म की एक कवरिंग है हमारे आत्मा के ऊपर, और जो हमारे ज्ञान गुण को कवर कर लेती है, इस वजह से वो ज्ञान गुण जो हमारा है उसे पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकता, तो हमें बाहर से ज्ञान लेना पड़ता है। और यही जो ज्ञान हम बाहर से प्राप्त करते हैं उसकी भी हम व्याख्या करते हैं, और जो पारमार्थिक ज्ञान है जिसे हम अपना केवल ज्ञान कहेंगे उसकी भी जैन दर्शन व्याख्या करता है। निश्चय से हम अनंत ज्ञान के स्वामी हैं, किंतु व्यवहार में अभी हम हमारा पूरा ज्ञान हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से हमें बाहर से ज्ञान लेना पड़ता है। और इस वजह से जो ज्ञान हम कहेंगे कि आत्मा में अनंत काल से पड़ा हुआ है और अनंत अनादिकाल से पड़ा हुआ है और अनंत काल तक वो ज्ञान रहने वाला है, वो ज्ञान क्योंकि अभी प्रकट नहीं होता है, तो हमें जो ज्ञान हम लेंगे वो लुप्त भी होगा। जैसे हम मनुष्य भाव में आते हैं तो मनुष्य भाव में कुछ प्रकार का ज्ञान हम लेकर के जाते हैं, यहाँ से अगर हम तिर्यंच गति में गए या नरक गति में गए तो यहाँ का पारमार्थिक जो व्यवहारिक ज्ञान है वो वहाँ पे काम नहीं आने वाला है, वहाँ पे अलग तरीके से फिर हम ज्ञान जुटाएंगे। तिर्यंच गति में भी जो हम मनुष्य भाव में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान हमारा यहाँ पे जब हमारा देहांत होता है तो वो लुप्त हो जाता है। तो इस तरह से जैन दर्शन जो आत्मा ज्ञान का गुण का स्वामी है उसी को ज्ञान बगैर ज्ञान का भी मानते हैं। यानी कुछ भारतीय दर्शन ऐसे हैं जैसे नैयायिक दर्शन, तो वो ये समझते हैं कि ज्ञान गुण जो है वो आत्मा से अलग है। जैन दर्शन ये कहता है कि गुण हमेशा आत्मा के साथ में रहता है। तो जो ज्ञान गुण नैयायिक लोग अलग बताते हैं, यानी कि संपूर्ण तरीके से भेद बताते हैं आत्मा और ज्ञान के बीच में, वैसे ही अगर हम वेदांत दर्शन देखेंगे, अद्वैत वेदांत खास तौर पे, तो अद्वैत वेदांत ये कहते हैं कि ज्ञान वही आत्मा है, उसके सिवा जो भी है वो मिथ्या है। तो अहम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है और बाकी सारा जो भी है जगत में हम देखते हैं वो सारा ही मिथ्या है। तो वो संपूर्ण अभेद करता है, नैयायिक दर्शन संपूर्ण भेद करता है, लेकिन जैन दर्शन जो है वो दोनों में भेद और अभेद दोनों तरीके से ज्ञान को पेश प्रस्तुत करता है, ज्ञान को दोनों तरीके से समझता है। तो जैन दर्शन की ये खास मान्यता है कि वो किसी भी एकांतवाद की तरफ नहीं जाता है। जैन दर्शन जो है वो अनेकांत में मानता है, हर दृष्टिकोण से व्यक्ति सही है,
लेकिन वह पूरा ज्ञान नहीं है, यानी कि वो प्रमाण नहीं बनता है, वो नए बनता है। तो जैन दर्शन सारे ही नयों को मिला करके, सारे ही नयों को, किसी नए को झुठलाता नहीं है, सारे ही नयों को मिला करके वो पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करता है। अगर हम ज्ञान की बात करें, ज्ञान की व्याख्या स्वपरभाषी ऐसा की गई है, यानी ज्ञान जो है वो स्व को भी, यानी कि जो नोअर है उसको भी प्रकाशित करता है और जो नोन ऑब्जेक्ट है उसको भी प्रकाशित करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ले लें तो एक दीपक है, दीपक जब प्रज्वलित होता है तो वो खुद को भी प्रकट करता है और आजू बाजू के वातावरण को भी प्रकट करता है। वैसे ही हम अगर किसी भी प्रकार का ज्ञान हम पाते हैं तो उससे ज्ञाता भी प्रकाशित होता है और जो ऑब्जेक्ट है जिसको जिसकी नॉलेज हम देते हैं वह भी प्रकाशित होता है। तो इस तरह से ज्ञान का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से और संपूर्ण तरीके से हमारे जैन दर्शन में ज्ञान का स्वरूप दिखाया गया है। ज्ञान के अलग अलग भेद भी बताए गए हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। थैंक यू सो मच तेज भाई, आपने बताया कि आत्मा के अंदर अनंत गुण है, आपने कुछ गुणों के बारे में भी बताया और उसमें कहा कि आत्मा के अंदर अनंत गुण पड़ा हुआ है पर उसके ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है जो कि कर्मों की, और उसके कारण ये अनंत ज्ञान मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। आज आपने ये प्रश्न के उत्तर में अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की भी बात की, तो मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है, नंबर वन, ज्ञान और दर्शन में फर्क क्या है, और नंबर दो, आपने बताया कि ज्ञान के पांच प्रकार बताए हैं जैन दर्शन के अंदर, तो हमें डिटेल में जानना है कि ज्ञान पांच कौन से प्रकार के हैं। ज्ञान गुण और दर्शन गुण ये दोनों ही आत्मा के हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जब हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं तो हमारा ज्ञान ऑटोमेटिक सम्यक हो जाता है, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान आता है। उसी तरह से जब हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उस समय हम केवल दर्शन की भी प्राप्ति करते हैं। तो ज्ञान और दर्शन ये दोनों ही आत्मा के सहचर्य गुण हैं। तो एक के जब सम्यक दर्शन अगर लुप्त हो जाता है तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान बन जाता है। वैसे ही अगर केवल ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो केवल दर्शन भी उसके साथ में प्राप्त होता ही है। तो अब दर्शन क्या है, तो इस आत्मा को समझना, आत्मा को पूरी तरह से समझना, सम्यक रूप से समझना, यानी कि सही तरीके से समझना, उसे हम सम्यक दर्शन कहेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना अधूरा रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी की भी बात मान भी लेते हैं तो भी हमें ये प्रश्न तो रहेगा कि ये सही है या गलत है। तो सही और गलत की जो पहचान कराता है वो हमें ज्ञान कराता है। तो ज्ञान और दर्शन ये दोनों ही आत्मा के जो गुण हैं वो साथ साथ चलते हैं और दोनों ही बहुत ही उपयोगी भी हैं और जरूरी भी हैं। जैन दर्शन वैसे तो दो प्रकार के ज्ञान बताते हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि जो आत्मा को डायरेक्ट होता है, उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। सीधा आत्मा में वो ज्ञान प्रकाशित होता है और वो प्रकट भी हो जाता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। परोक्ष ज्ञान यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंटालिटी के साथ में कोई भी निमित्त उसमें बनता है वो ज्ञान पाने के लिए, खास तौर पे इंद्रिय और मन। मन और इंद्रिय के माध्यम से जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हम उसे इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इंद्रिय भी पुद्गल है, मन भी पुद्गल है, हमारा शरीर भी पुद्गल है। जैन दर्शन ये मानता है कि शरीर आत्मा से अलग है, तो आत्मा जो शरीर के माध्यम से या शरीर के अवयवों के माध्यम से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे हम परोक्ष ज्ञान कहेंगे, और जो ज्ञान आत्मा में डायरेक्ट प्रकट होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। परोक्ष ज्ञान में दो प्रकार के ज्ञान बताए हैं, मति ज्ञान और सुत ज्ञान। भगवती सूत्र में उसे अभिनिबोध और सुत ज्ञान कहते हैं, कहा गया है। और
प्रत्यक्ष ज्ञान में हम लेंगे मन अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये पांच प्रकार के ज्ञान हमें बताए गए हैं। उसमें जो परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान और सुख ज्ञान, वो सारे ही संसारी जीवों में होता ही है, चाहे वो एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो। मति ज्ञान और सुख ज्ञान ये दोनों संसारी जीवों में होता ही है। कभी एक ज्ञान हो सकता है, सुख ज्ञान नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन सारे ही संसारी जीवों को मति ज्ञान और सुख ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये आत्मा की जब विशुद्ध दशा प्राप्त होती है, कर्मों का आच्छादन जब विशुद्ध कक्षा से होता है, तब ये ज्ञान प्रकट होते हैं। मति ज्ञान या अभिनिबोध जिसे हम कहते हैं, उसके भी पांच भेद बताए गए हैं। जो ज्ञान हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे मति ज्ञान कहते हैं। उसका प्रथम भेद है, अगर हम अभिनिबोध ज्ञान कहते हैं तो हम मति ज्ञान को हम प्रथम उसका भेद मानते हैं, जिसे हम एम्पिरिकल परसेप्शन, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं या हमारी किसी भी इंद्रिय के माध्यम स्पर्श करते हैं या सुनते हैं, तो वह मति ज्ञान है। मति ज्ञान यानी कि जो इंद्रिय के माध्यम से, अगर हम किसी को छूते भी हैं तो हमें उसका स्पर्श समझ में आता है कि ये मुलायम स्पर्श है या ये रफ स्पर्श है या गर्म है या ठंडा है, इस प्रकार की हमें जो इस प्रकार का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम मति ज्ञान कहेंगे या अभिनिबोध ज्ञान भी कहेंगे। दूसरा प्रकार बताया गया है स्मृति यानी कि मेमोरी, जो वस्तु हमने पहले कभी अगर देखी हुई है और उसका हम मन ही मन चिंतन करते हैं तो वो एक स्मृति ज्ञान में उसकी बात आती है। उस पर वहाँ पर भी हम भले वो पहले चीज देखी है लेकिन इसकी स्थिति अभी ताजा हुई है, इसलिए इसे हम अलग प्रकार का ज्ञान कहते हैं। तो क्या हितेश भाई, आपने स्मृति ज्ञान की बात की, तो हम जो जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं तो वो भी तो एक प्रकार की स्मृति है, तो क्या जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का ही प्रकार है? जाति स्मरण ज्ञान वो भी एक मति ज्ञान का ही भेद है, लेकिन वो अलग तरीके से है, जहाँ पे हम पिछले जन्म के जो हमारे मतलब कई जन्मों के भी हो सकता है जाति स्मरण ज्ञान, तो वो पिछले जन्मों में हमने क्या किया है उसका ज्ञान हमें देते हैं। पिछले जन्मों में हमने क्या एक्सपीरियंस किया है उसका ज्ञान हमें उसे प्रकट होता है, लेकिन वो उसे हम स्मृति ज्ञान नहीं कहेंगे, वो एक अलग तरीके से ही उसको बताया गया है। स्मृति में वस्तु जो हमने पहले देखी हुई है या वस्तु का जो अनुभव किया है उसका हम अभी वर्तमान में उसको हम रिकलेक्ट करते हैं, तो उसे वो हम स्मृति ज्ञान कहेंगे। तीसरा प्रकार बताया है संज्ञा ज्ञान, मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध। संज्ञा ज्ञान यानी कि जो वस्तु हमने पहले कभी देखी हुई है और वही वस्तु हमने अभी सामने प्रस्तुत होती है, हम उसका हम एम्पिरिकल परसेप्शन अभी सामने देखते हैं तो और उसके माध्यम से हम ये रिकलेक्ट करते हैं कि ये वस्तु हमने पहले देखी थी। जैसे अभी हमने किसी एक घोड़े को देखा, चार पैर वाला, उसकी एक पूंछ वाला, इस प्रकार की नाक वाला या इस प्रकार के मुंह वाला, इसे हम घोड़ा कहते हैं, और उस तरीके से हम अगर घोड़े को याद करते हैं, वस्तु प्रत्यक्ष हाजिर है और उसे हम याद करते हैं, तो वो संज्ञा ज्ञान हुआ यानी कि रिकलेक्शन हुआ। मेमोरी और रिकलेक्शन में दो में फर्क इतना ही है कि मेमोरी में हम सिर्फ मन के माध्यम से उस चीज की मेमोरी रिकलेक्ट कर मतलब रिट्रीव करते हैं, रिकलेक्शन में हम वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में देख करके उसको हम इसीलिए उसको अलग तरीके से बताया गया है। चौथा प्रकार बताया है चिंता, किसी भी प्रकार का इंफरेंस अगर हम करते हैं, यानी कि जो वस्तु पहले बार बार देखी है उससे हम एक हमारा अनुमान लगाते हैं कि जैसे कि पर्वत पर अग्नि देख ये पर्वत पर हम स्मोक देखते हैं, धुआं देखते हैं और तब हम समझते हैं कि धुआं तो हमेशा अग्नि के साथ में ही होता है,
और उस तरह से हम पर्वत पर अग्नि है इस तरह का एक अनुमान लगाते हैं, तो वह चिंता ज्ञान हुआ। और मतलब जो हम एप्लीकेशन करते हैं हमारा पूर्व का अनुमान का, उसे हम चिंता ज्ञान कहेंगे और अभिनिबोध, जिसे हम ये कहेंगे कि हम जब ये रिजल्ट पर आते हैं कि ये पर्वत पर अग्नि है, तो वो हमारा एक इंफरेंस हुआ, उसे हम अभिनिबोध ज्ञान कहेंगे। तो इस प्रकार के मति ज्ञान के हमें पांच भेद बताए गए हैं। और मति ज्ञान जो हम इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त करते हैं, मन के माध्यम से भी, हम जैसे स्मृति है तो वो मन के माध्यम से हुआ, और बाकी इंद्रियों के माध्यम से अगर कोई ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो वह मति ज्ञान बनता है। श्रुत ज्ञान यानी कि जो शब्द के माध्यम से या संकेत के माध्यम से हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वह श्रुत ज्ञान हुआ। शब्दिक अगर ज्ञान नहीं है लेकिन कोई ध्वनि सुन करके, कोई इशारा देख करके अगर हम ज्ञान किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह श्रुत ज्ञान में कैटेगराइज होता है। श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान के पहले हमेशा मति ज्ञान होना आवश्यक है। मति ज्ञान के बगैर श्रुत ज्ञान पॉसिबल ही नहीं है। वह इसलिए कि मति ज्ञान में हम वस्तु का स्पर्श आदि हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम वस्तु को जान सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ अगर हम जानते हैं तो वो श्रुत ज्ञान हुआ। जैसे कि हमने किसी एक वस्तु को देखा, रूम में प्रवेश किया, हमने एक वस्तु को देखा और यह सोफा है। जब वो शब्द का उपयोग हम करते हैं तो वो श्रुत ज्ञान है। सोफा को देखना वह मति ज्ञान है। यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान में शब्द के माध्यम से उसके अर्थ तक हम पहुंचते हैं, मति ज्ञान में केवल हम उसका दर्शन करते हैं, उसे हम समझते हैं या उसकी आवाज सुनते हैं। हम अगर रूम में दाखिल हुए और किसी प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई दी और हमें ये पता चलता है कि ये तो एक पंखे की ध्वनि है, तो ध्वनि का सुनना वह मति ज्ञान है और उसको पंखे की पहचान होना वह श्रुत ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो भी ज्ञान हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, जिसके दो भेद हमने मति और श्रुत ज्ञान इस तरह के समझे। जब आत्मा की कक्षा विशुद्ध होती है, आत्मा के कषाय वगैरह कम होते हैं, तब हमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान इंग्लिश में हम उसे क्लेयरवॉयंस भी कहते हैं। तो क्लेयरवॉयंस या अवधि ज्ञान ये आत्मा को डायरेक्ट ज्ञान होता है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है। जैन दर्शन छह द्रव्यों को मानता है, जिसमें एक रूपी पदार्थ है, एक द्रव्य है रूपी द्रव्य, जिसे हम पुद्गल कहते हैं, और बाकी के पांच द्रव्य मानते हैं, पंचास्ती का जिसे हम कहते हैं। तो पांच अगर द्रव्य मानते हैं तो चार बाकी के चार अरूपी हैं, और काल भी वैसे काल का भी कोई रूप नहीं होता, काल अलग, कोई काल को द्रव्य के रूप से मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम छह द्रव्य की विचारणा अगर करते हैं तो पांच द्रव्य अरूपी है और एक द्रव्य रूपी है। तो अवधि ज्ञान में सभी रूपी द्रव्यों के हमें कुछ पर्यायों का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान हमें होता है वो अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, भव प्रत्यय और निमित्त प्रत्यय। भव प्रत्यय यानी कि कुछ भव ऐसे होते हैं जहाँ पर अवधि ज्ञान हमेशा होता ही है। नरक के भाव या देवलोक के भाव में हमेशा ज्ञान अवधि ज्ञान देवों को या नारकियों को होता ही है। भव प्रत्यय और क्षय प्रत्यय, नरक के और देव के भाव में अगर हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है वो भव के माध्यम से ही होता है, भव के निमित्त से है, उसे हम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहेंगे। और क्षयोक्षम प्रत्यय यानी कि आत्मा के जो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय या उक्षम करने से जो ज्ञान हमें प्रकट होता है उसे हम क्षयोक्षम प्रत्यय यानी कि क्षयोक्षम के निमित्त से अवधि ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है। भव प्रत्यय में किसी कर्म का क्षय या उसकी उच्चम करके हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, वो भव से ही
मतलब बेसिक क्वालिटी है कि अगर हम देवलोक में जाते हैं, देवलोक में हमारा जन्म होता है, देवगति में अगर हमारा जन्म होता है तो हमें अभिज्ञान अवश्य होना ही है। लेकिन प्रयत्न से हमारे कर्मों का क्षय करके या उपशम करके जो हम प्रयत्न से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्षयोपशम निमित्त क्षयोपशम प्रत्यय अभिज्ञान है। क्षयोपशम प्रत्यय अभिज्ञान के 6 भेद बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है अनुगामी, यानी कि आत्मा जीव जहाँ पर भी जाएगा वह ज्ञान उसके साथ साथ चलेगा। जैसे हम एक टॉर्च लेकर के या हम एक फानस लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर प्रकाश प्रज्वलित होगा ही। तो यह है अनुगामी अवधि ज्ञान। दूसरा प्रकार बताया है अनुगामी ज्ञान, कि आत्मा एक जगह पर स्थिर है तो वहाँ पर उसे वो अवधि ज्ञान है, लेकिन अगर वो वहां से दूर चला जाता है तो वो अभिज्ञान भी चला जाता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे अनुगामी कहते हैं। जैसे अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का अगर उदाहरण देखें, हम अगर बल्ब के नीचे हैं तो हमें प्रकाश मिलेगा, हम अगर वहां से दूर चले गए तो अंधेरा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से वो अनुगामी जो ज्ञान है वो जगह बदली होने से, क्षेत्र बदली होने से वह चला जाता है। तो ये है अनुगामी अभिज्ञान। तीसरा प्रभेद बताया गया है वर्धमान अभिज्ञान। जैसे आत्मा प्रगति करता है तो वो ज्ञान बढ़ते रहता है, बढ़ती कक्षा में जब ज्ञान होता है तो उसे हम वर्धमान कहते हैं। और उसी तरह से अगर आत्मा की विशुद्धि कम होती जाती है तो वो ज्ञान धीरे 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 कम होते जाता है, उसे हम कहेंगे नियमान, जो हमारा चौथा भेद है। तो इंक्रीजिंग ज्ञान उसे हम वर्धमान अभिज्ञान कहेंगे, डिक्रीजिंग ज्ञान उसे हम नियमान कहेंगे। पांचवा भेद बताया गया है प्रतिपाती, यानी कि जो आता है चला जाता है फिर आता है फिर चला जाता है, उसे हम प्रतिपाती कहेंगे। और पांचवा भेद है अप्रतिपाती अभिज्ञान। अप्रतिपाती यानी कि आत्मा को एक बार अभिज्ञान हुआ उसके बाद में जब तक उसकी उसे केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अभिज्ञान टिका रहेगा। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम अप्रतिपाती अभिज्ञान कहते हैं। और अप्रतिपाती अभिज्ञान में सबसे अच्छी विशुद्ध कक्षा है परमावधि ज्ञान। परमावधि ज्ञान अगर एक तो पहले तो वो विशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त होता है, और जिसे परमावधि ज्ञान प्राप्त होता है वह 48 मिनट में यानी कि एक अंतर मुहूर्त में उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये हुआ हमारा अभिज्ञान। चौथा प्रकार का ज्ञान जो हमें बताया गया है वो मनः पर्याय ज्ञान, यानी उसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि मन के पर्यायों को समझना, अन्य लोगों के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या क्या विकल्प उठ रहे हैं, इस प्रकार का ज्ञान अगर हमें होता है तो वह मनः पर्याय ज्ञान होता है। यह ज्ञान केवल मनुष्य को ही होता है। अवधिक ज्ञान तिर्यंच गति में भी हो सकता है, नरक और देव गति में तो है ही, लेकिन तिर्यंच गति में भी अवधिक ज्ञान हो सकता है। लेकिन मनः पर्याय ज्ञान बाकी 3 गतियों में यानी कि नरक गति में, देव गति में या तिर्यंच गति में संभव ही नहीं है। विशुद्ध कक्षा वाले जो साधु भगवंत होते हैं यानी कि जो 7वें गुण स्थानक तक पहुँचते हैं उन्हें ही यह इस प्रकार का ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान हो सकता है। यह ज्ञान 7वें गुण स्थानक में प्रकट होता है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि 7वें गुण स्थान में जीव ज्यादा से ज्यादा एक अंतर मुहूर्त रह सकते हैं, तो उसके बाद में वो 6वें गुण स्थान में आ ही जाते हैं। तो 6वें से लेकर के 12वें गुण स्थानक तक हमें मनः पर्याय ज्ञान हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है। अगर 6वें से नीचे अगर जीव चला जाता है तो उसे ये ज्ञान उसे लुप्त हो जाता है। अवधि ज्ञान के भी 2 प्रकार बताए, मनः पर्याय ज्ञान के भी 2 प्रकार बताए हैं, रुजुमति मनः पर्याय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। रुजुमति यानी बहुत ही सिंपल सा मनः पर्याय ज्ञान है, इसमें हम अन्य लोगों के मन के विकल्पों को हम समझ सकते हैं। और विपुलमति यानी कि वो विशेष तौर का है, जिसकी विशुद्धि बहुत अधिक है,
विपुल मति मनोपर्याय ज्ञान केवल और केवल बहुत ही ऊंची कक्षा में जो साधु भगवंत जाते हैं उनको ही हो सकता है। और विपुल मति एक बार हो गया तो उसके बाद में केवल ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मनोपर्याय ज्ञान तक की हमने विचारणा की। ये सारे ही व्यावहारिक ज्ञान है जिसमें हम ये आत्मा के गुण हम नहीं कहेंगे, आत्मा की कर्म की, आत्मा की जो पांच अलग अलग ज्ञानावरणीय कर्म है, मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय आदि, तो उनकी विशुद्धि जैसे जैसे होती है तो ये हमें ये ज्ञान प्राप्त होते हैं। लेकिन जो पांचवा प्रकार का ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान है। आत्मा की जो हमने पहले चर्चा की कि आत्मा में अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है, तो जब हमारे सारे ही दर्शना मोहनीय कर्म का जब क्षय होता है तभी उसके अंतर मुहूर्त में हमारे सारे दर्शन चारित्र मोहनीय कर्म और सारे ही ज्ञानावरणीय कर्म इनका क्षय हो जाता है। और वो क्षय के चलते आत्मा जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी समय, जैसे पहले कहा कि केवल ज्ञान के साथ में ही केवल दर्शन प्रकट होता है, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ में ही रहते हैं। केवल ज्ञान क्या है? तो आत्मा में जो अनंत गुण है उसका पूर्ण तरह से प्रकट होना, इसे ही हम केवल ज्ञान कहेंगे। इस संसार में, इस लोक में जितने भी द्रव्य हैं, सभी द्रव्यों का, सभी पर्यायों का, यानी कि भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का, भूत में भी अनंत काल भूत का और अनंत अनादिकाल भूत का और अनंत काल भविष्य का, इसे हम इसके सारे ही पर्यायों का ज्ञान अगर होता है और सारे ही द्रव्यों का, यानी कि जो छह द्रव्य बताए हैं या पांच द्रव्य बताए हैं, वो पांचों द्रव्यों का या छहों द्रव्यों का संपूर्ण तरह पूर्ण ज्ञान जब प्रकाशित होता है तो उसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जो पांच प्रकार के ज्ञान बताए हैं बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि ये विषय गहरा है कि इसे अगर लेना है तो घंटों भर के व्याख्यान भी अगर इसमें कम पड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी सूक्ष्मता भी दी गई है, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है तो हम ये सूक्ष्मता से हम इसकी विचारणा नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो एक स्वाभाविक, एक नॉर्मल तरीके से हमने पांचों ज्ञानों का विवरण सुना। बिल्कुल हितेश भाई, एक्चुअली आपका इस प्रश्न का जवाब सुन के ऐसे लगा ये बहुत ही डीप विषय है और इसकी विस्तृत चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपने जितने बाइफर्केशन बताए हैं इसके अंदर, तो शायद 10 मिनट में आपने इतने सारे बाइफर्केशन बनाए कि हम वो लिखने बैठे तो हमें 10 की 100 मिनट लग सकती है शायद उस नाम को डाइजेस्ट करते करते। सो बहुत ही सुंदर तरीके से पर आपने समझाया और बहुत ही सरल भाषा में आपने, मैं थोड़ा समराइज करना चाहूंगा जो आपने बताया। आपने सबसे पहले ज्ञान के दो प्रकार में प्रत्यक्ष और परोक्ष बताया, और उसके बाद आपने परोक्ष ज्ञान के अंदर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को लिया, और प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर अवधि ज्ञान, मनोप्रज्ञान और केवल ज्ञान को बताया। फिर आप मति ज्ञान के प्रकार बताए आपने, फिर श्रुति ज्ञान। सो आपने मति ज्ञान में बताया कि जो इंद्रियों के माध्यम से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, और श्रुति ज्ञान में आपने बताया कि शब्द और संकेत से जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए आपने बताया कि दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, रूपी द्रव्य और अरूपी द्रव्य। सो अवधि ज्ञान की बात करने से पहले आपने ये क्लियर किया और वहां आपने मेंशन किया कि अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों का ज्ञान करता है, यानी जिस जिस पदार्थ के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है उन सबका ज्ञान वो कर सकता है। फिर आपने अवधि ज्ञान के प्रकार बताए कि अवधि ज्ञान के 6 प्रकार हैं, उसमें आपने अनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती, इस प्रकार आपने 6 प्रकार बताए और उसके अर्थ भी डिटेल में समझाए। फिर आपने मनोपरिज्ञान की डेफिनेशन बताई और उसके बाद केवल ज्ञान की हमने चर्चा की। सो अभी इस चर्चा के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है। अब जब हम हमारी आत्मा और शरीर को एक मानते हैं, इनकेस यानी काफी ऐसे दर्शन भी है जो ऐसा मानते हैं, तो काफी दर्शन ऐसे ही कहते हैं कि जो इंद्रियों के माध्यम से होता है वो प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष सुनाई दे रहा है,
जैन दर्शन परोक्ष कह रहा एक बाजू और दूसरे दर्शन एक बाजू इसको प्रत्यक्ष कह रहे, तो ये दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस क्यों है? इसके ऊपर थोड़ा और इलाबरेट आप करेंगे तो डेफिनेटली हमारे दर्शकों को और क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जैन दर्शन जैसे मैंने पहले कहा निश्चय और व्यवहार दोनों का संतुलन बनाए रखता है। जब हम कहते हैं कि ये परोक्ष ज्ञान है तब हमारी विचारणा यही होती है कि आत्मा के लिए जो ज्ञान है वह तो डायरेक्ट अगर आत्मा को मिलता है तो ही वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाएगा। इंद्रिय क्योंकि आत्मा से अलग है, आत्मा का वो एक हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से हम अगर कहेंगे तो वो परोक्ष ज्ञान इसलिए हुआ कि किसी निमित्त के आधार पर हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। अन्य दर्शनों में क्योंकि ये डिविजन नहीं है तो वह इंद्रियों को भी वो प्रत्यक्ष कहते हैं, तो इसकी एक रिकंसिलिएशन करने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो परोक्ष ज्ञान है उसे भी दो कैटेगरी में, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष ऐसे दो बता दिए हैं, जिसमें मति और श्रुति ज्ञान को हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में हम ले सकते हैं, और यानी कि व्यवहार से वो प्रत्यक्ष है लेकिन वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, और मुख्य प्रत्यक्ष को हम ये कहेंगे कि जो अवधि ज्ञान या मनपर्याय ज्ञान या केवल ज्ञान वह मुख्य प्रत्यक्ष के रूप में हमें दिखाए गए हैं। आचार्य महाप्रज्ञा जी ने इसकी और इस विषय को और खोलते हुए उन्होंने कहा कि इंद्रिय प्रत्यक्ष और इंद्रिय परोक्ष, तो जो इंद्रियों के माध्यम से जो मति ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, और इंद्रिय परोक्ष यानी कि जो हम मन के माध्यम से करते हैं चिंता अभिनिबोध ये सारे ही उन्होंने कैटेगराइज किए इंद्रिय परोक्ष में, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे इंद्रिय प्रत्यक्ष कहा, और जो बाकी सारे जो स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये सारे ही हम इंद्रिय परोक्ष में और उसकी गिनती उन्होंने बताई है। तो जैन दर्शन कभी भी किसी एक मान्यता को के ऊपर नहीं मतलब पकड़ नहीं लेता है, वो सारे ही नयों को सारे ही दृष्टिकोण को सही बताता है, लेकिन साथ में यह अपेक्षा लगाता है कि ये इस दृष्टिकोण से यह सही है, इस दृष्टिकोण से यह सही है, और संपूर्ण जब उसका ज्ञान होता है तभी हम प्रमाण बनता है। प्रमाण यानी कि प्रमा का एक प्रमा यानी नॉलेज, और प्रमाण नॉलेज के माध्यम से जो भी हम प्राप्त करते हैं वह प्रमाण बनता है, तो सारे ही नयों को मिला करके एक प्रमाण बनता है। तो इस तरह से वो रिकंसिलिएशन भी अच्छी तौर से हमारे महापुरुषों ने किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको सिंपल लैंग्वेज में स्पष्ट कर दिया कि किस तरह व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से उन्होंने किस तरह एक वे निकाला और किस तरह उसको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में डाल दिया, तो इसकी बहुत ही सुंदर क्लैरिटी आपने दी। रितेश भाई, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने पांच प्रकार के ज्ञान बताए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को एक साथ कितने प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं और आज के समय में कौन से ज्ञान पॉसिबल है? एक समय में व्यक्ति को एक से लेकर के चार ज्ञान पॉसिबल है, चार पांचों ज्ञान एक साथ में पॉसिबल नहीं है। उसकी खास वजह यह है कि जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जब आत्मा अपने स्वभाव में चला जाता है, अपने ज्ञान गुण को संपूर्ण तरह से प्रकट करता है, तब उन्हें उस आत्मा को कभी कोई बाहरी माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए उसे ना तो मति ज्ञान की या ना तो श्रुति ज्ञान की आवश्यकता है। संपूर्ण ज्ञान जब आत्मा में भरा हुआ है और वो संपूर्ण तरह से प्रकट हो चुका है, तो सारे ही इंद्रिय वगैरह जो है वो बेकार मतलब बेकार बिना काम की हो जाती है। तो एक जब केवल ज्ञान होता है तो बाकी के सारे ही ज्ञान विलुप्त हो जाते हैं। अगर एक ज्ञान आत्मा में है तो वह केवल ज्ञान या मति ज्ञान हो सकता है, यानी सिर्फ मति ज्ञान वाला भी एक ज्ञान वाला एक ज्ञान धारक कह सकते हैं, और
केवल ज्ञानी है वो भी एक ज्ञान धारक कह सकते हैं। जब दो ज्ञान की बात आती है तो मति और श्रुति ज्ञान एक साथ में हो सकता है। तीन ज्ञान की अगर बात हम करें तो मति, श्रुत और अवधि या मन पर्याय में से कोई भी एक ज्ञान, यानी मति, श्रुत, अवधि या मति, श्रुत, मन पर्याय, इस तरह से तीन ज्ञान हो सकते हैं। चारों ज्ञान अगर किसी के पास है तो मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय चार ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन पांच ज्ञान एक साथ में कभी भी नहीं। तो क्या आज के समय में किसी को अवधि ज्ञान हो सकता है? अवधि ज्ञान हो भी सकता है, ऐसा कुछ शास्त्रों में ये कोई उल्लेख नहीं है कि अवधि ज्ञान अभी इस काल में नहीं हो सकता, लेकिन आज हम जो प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं तो अवधि ज्ञान यानी कि हमारे जो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करना या उपशम करना वो आज के प्रैक्टिकल दौर में बहुत सरल नहीं है, और इस वजह से हम ज्यादा अभिज्ञानी देख नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को अभिज्ञान हुआ है तो भी वो पोस्ट नहीं करेगा कि मुझे अभिज्ञान हुआ है, तो इस वजह से भी हमें वो पता नहीं चल सकता। एक बात मेरी कहने की रह गई कि जैसे हम ये पांच प्रकार के ज्ञान देखते हैं उसी तरह से तीन प्रकार के मिथ्या ज्ञान भी बताए हैं। वैसे कुल आठ भेद होता है, लेकिन जहाँ हम ये बात करते हैं तभी सम्यक ज्ञान की ही बात होती है, तो इस वजह से हम पांच प्रकार के ही ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है, श्रुति ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है और अवधि ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है। यस, नो प्रॉब्लम हितेश भाई, डेफिनेटली आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। अब हम सेशन को वाइंड अप करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा और उसके बाद मैं ये सेशन को ओपन रखना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए। प्रश्न ये है कि आपने ये जो आज का टॉपिक चुना है, डेफिनेटली ये बहुत ही रुचिकारक टॉपिक है और हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलती है, पर जब हम हमारे आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है उसकी बात करते हैं, तो ये पांच ज्ञान का अभ्यास, पांच ज्ञान का स्वाध्याय हमें किस तरह हमारी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए हेल्प करता है? ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है और ये प्रैक्टिकल प्रश्न है, क्योंकि अगर हम पांच प्रकार के ज्ञान को समझ भी लेते हैं लेकिन उसका अगर हम अपने आत्मा के विकास के लिए अगर उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारा मनुष्य भाव हमें जो प्राप्त हुआ है उसको हम सफल नहीं कहेंगे। मनुष्य भाव की प्राप्ति काफी प्रयत्न के बाद में, काफी कर्मों की निर्जरा करने के बाद में प्राप्त होती है मनुष्य गति, और इस गति का संपूर्ण लाभ अगर हमें लेना है, जैसे हमारे आचार्य भगवान तो कहते हैं कि मनुष्य भाव पाना, उसमें भी जैन धर्म पाना, उसमें भी ये उस धर्म के प्रति आस्था रखना, श्रद्धा रखना, अगर ये बहुत ही कम देखा जाता है, यानी कि इतने सारे जीवों में मनुष्य कितने, उस मनुष्य में जैन कितने, और या जैन यानी कि जिनको मानने वाले कितने और जिनको मानने के बाद में उसका आचरण करने वाले कितने, तो बहुत ही कम संख्या में हमारी गिनती आई है, तो ये एक हमारे लिए उपलब्धि की बात है। और जब हम जिन्होंने यानी जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, जिन्होंने इस भव संसार चक्र को नष्ट किया है, उनकी वाणी अगर हम सुनते हैं वो तो हमें मार्ग बता करके चले गए हैं, उस मार्ग पे चलना और उनके मार्ग पे चल करके उन्हीं की तरह हम मोक्ष को पाना, यही हमारे सारे ही जीवों का ध्येय होता है। कोई भी जीव दुखी होना नहीं चाहता, सुख ही की प्राप्ति चाहता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि सही सुख कौन सा है। जैसे हमें अगर रसगुल्ले बहुत पसंद है, हमें रसगुल्ला मिल गया, हम अपने आप को सुखी कहते हैं। हमें अगर भूख लगी हुई है, हमें भोजन मिल गया, हम अपने आप को सुखी कहते हैं, लेकिन ये सुख कितने काल का है? रसगुल्ला का स्वाद हमारे जीव पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। वैसे ही अगर भूख हमारी मिट गई है तो फिर से भूख तो पैदा होने ही वाली है, तो ये अल्पकालीन सुख है, सही सुख नहीं है। इसलिए हमें सही सुख क्या है ये समझने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, और सम्यक ज्ञान की अगर हम बात करें तो वो जिन वाणी सुन करके हमें जिनने जिस मार्ग पर चले हैं वही मार्ग पे हमें चलने के लिए सिखाया है,
तो उसे हम अगर सम्यक रूप से अगर हम लेते हैं तो हम अपने आत्मा का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में भी कहा है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान भी प्राप्त करना है और क्रिया भी करनी है, यानी कि हमारा चारित्र भी सम्यक होना चाहिए और हमारा ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए। तो अगर हम चरित्र किसी भी तरह से अगर हम अच्छा रखते हैं, सम्यक चरित्र रखते हैं, लेकिन अगर वह ज्ञान गुण के साथ में नहीं है तो वह चरित्र मिथ्या चरित्र ही कहा जाएगा। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता हमारे केवल ज्ञान में या हमारे मोक्ष प्राप्ति में बहुत ज्यादा है, और क्या सही है क्या गलत है इसकी व्याख्या भी हमें ज्ञान के माध्यम से ही होती है। विजडम हम अपनी यूज कर सकते हैं, जो ज्ञान तीर्थंकर ने हमें दिया है उसके हिसाब से हम अपनी विजडम लगा करके हम हमारी आत्मा के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका विचार करके हम अंत में अगर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यही पांच प्रकार के ज्ञान में से हम अगर हम अपना टेक अवे पैकेज कहेंगे तो ये ज्ञान को इस तरह से समझना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हितेश भाई, आपने बहुत सुंदर बात की। ज्ञान क्रिया भी हम मोक्ष कह के आपने पूरे इस सेशन का सारांश दे दिया, ऐसा कह सकते हैं। और डेफिनेटली क्रिया हमारी या चारित्र वो ज्ञान पूर्वक का होना चाहिए, तभी वो सम्यक चारित्र कह सकते हैं। थैंक यू सो मच हितेश भाई फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द जैन टॉक्स प्लेटफॉर्म। नाउ आई वुड लाइक टू कीप दिस सेशन ओपन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। Viewers can ask questions by typing in the Q&A or chat box, or you can raise your hand. I will allow you to ask Hitesh bhai directly. So, Ashisha Parikh, you can ask the question. Ashisha Parikh. Yeah. Pranam. Pranam Hitesh bhai. Pranam. Abhi mujhe wo puchna tha ki kabhi-kabhi aisa hota hai ki temporary koi senses kaam nahi karti hai. जैसे अभी कोरोना में हमने सुना कि किसी की टेस्ट चली जाती है, किसी की स्मेल चली जाती है, वो टेम्परेरी, तो उसको कैसे काउंट करेंगे, अपने मत ज्ञानवाणी में करेंगे या कैसे करेंगे? मतलब आपका कहना है कि अगर टेम्परेरी हमारी सेंसेस काम नहीं करती है तो वो क्या है? हाँ, वो हमारे मत ज्ञानवाणी कर्म का उदय ही है। अगर अपर्याप्त जीव और पर्याप्त जीव, इस प्रकार के दो भेद बताए हैं। अपर्याप्त जीव यानी कि जीव च्यवन के बाद में जब अपनी अपना पूर्ण शरीर बनाता है, उस जो शरीर की रचना अगर पूर्ण हो जाती है तो वह पर्याप्त जीव कहा जाता है। और अगर शरीर की रचना पूर्ण रूप से नहीं होती है और उसके पहले ही अगर मृत्यु हो जाती है, जैसे गर्भ में ही कोई मृत्यु हो गई, तो उसे हम अपर्याप्त जीव कहेंगे। तो जब ये अपर्याप्ति का काल रहता है उसे अलग तौर तरीके से देखेंगे। और बाकी जो अगर हमारी सेंसेस है, सेंस ऑर्गन है, लेकिन वह काम नहीं करता है, जैसे हम कोई अंधे आदमी को भी देखते हैं तो उसे आंख की इंद्रिय तो प्राप्त है ही, इंद्रिय के भी दो प्रकार बताए हैं, निवृत्ति और उपकरण। द्रव्य इंद्रिय है उसके निवृत्ति और उपकरण ये दोनों ही है, लेकिन उपकरण इंद्रिय काम नहीं करती है, द्रव्य इंद्रिय ये निवृत्ति इंद्रिय तो है ही। तो ये हम ज्ञानवर्णीय कर्म का ही उदय हम समझेंगे और उस प्रकार से ही हम उसे लेंगे। वैसे ही ये अगर टेम्पररी कोई इंद्रिय काम नहीं करती है तो वह भी मतलब ज्ञानवर्णीय कर्म का उदय ही समझेंगे। थैंक यू सो मच आशीषा जी। सो यहाँ एक प्रश्न आया है कि आपने ये सब चीजें बताए पर हमें भी हाजिर जवाबी पना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्मों का क्षय करना पड़ेगा। मति ज्ञानवर्णीय कर्म जो अपना हाजिर जवाबी पना रोकता है, उसको प्रकाशित होने से रोकता है, उसका हमें क्षय करना पड़ेगा या उपशम करना बिल्कुल। पर उसकी क्षय करने की कोई वेज आप बता सकते हो कि किस तरह हमें क्या करना चाहिए जीवन में? कर्म ग्रंथ का है ये विषय है और इसे समझने के लिए तो घंटों भी कम पड़ेंगे, क्योंकि कर्म ग्रंथ में भी बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। ऐसा हो तब ऐसा होता है, इस प्रकार का भाव हो तब इस प्रकार का होता है। एक ही समझो एक्टिविटी एक ही है, जैसे हम
कहते हैं हमारे जैन धर्म में तो अहिंसा का बहुत ही महत्व है। अब अगर हम कहते हैं कि किसी के ऊपर छुरी चलाना बुरी बात है, लेकिन वही छुरी अगर एक डॉक्टर चलाता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो किसी को किसी का भला करने के लिए वो छुरी चलाता है। और एक लुटेरा चलाता है तो किसी को नुकसान करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए वो छुरी चलाता है। तो क्या भाव से हम किस प्रकार की क्रिया करते हैं, किस प्रकार से हमारा कर्म बंद होता है, तो कौन से कर्म किसी एक कर्म को किस तरह से हटाना, उसके लिए तो बहुत गहरा विषय है जिसकी चर्चा हम यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया बहुत सारे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, सो डिपेंडिंग ऑन द केस ये बता सकते हैं। थैंक यू सो मच हितेश भाई। एक प्रश्न और आया है कि हमने कल्पसूत्र जब सुना था तो कल्पसूत्र में ऐसी बात आती है कि जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद 10 चीजें लुप्त हो गई, उसके अंदर हमने अवधि ज्ञान के बारे में भी सुना, तो इसको किस तरह समझना है? अवधि ज्ञान लुप्त हो गया जम्बू स्वामी के बाद, उसका मतलब क्या है? इस काल में, इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में वो लुप्त हो गया है। अगर हम महाविद्य की बात करें तो वहाँ पर तो हमेशा चौथा आरा चलता है, तो वहाँ पर अवधि ज्ञान किसी भी समय ओपन ही है। यहाँ पर हम कहेंगे कि अवधि ज्ञान लुप्त हो गया है, बट क्षेत्र के अनुसार तो उसमें फेरबदल होगा, क्षेत्र और काल के अनुसार उसमें फेरबदल होना पॉसिबल है। ओके, यानी बेसिकली हम भरत क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में अवधि ज्ञान पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ, बट अगर दूसरे कोई क्षेत्र में जाए तो वहां अवधि ज्ञान पॉसिबल है। यस, थैंक यू सो मच हितेश भाई, आज बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली। इनफैक्ट जैन शब्दकोश है, जैन धर्म की जो पारिभाषिक शब्द है वो इतने सारे आज जानने मिले कि इससे डेफिनेटली व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी इसको और डिटेल में जाने। आपने तो हमें सिर्फ टेस्ट करवाया है, कहते हैं ना कि मूवी के पहले ट्रेलर आता है, तो आपने ट्रेलर दिया है, पर रियल पिक्चर तो बाकी है। और शायद मुझे लगता है कि इसके लिए हमें भी आप जो तत्वार्थ सूत्र का कोर्स करवाते हो वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ने की आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच हितेश भाई फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर 90 है, थोड़ी सी एक मिनट का समय लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे उमास्वाति जी महाराज लगभग 1800 साल पहले ये ग्रंथ लिखा है। जैन दर्शन के जितने भी तात्विक तत्व हैं वो सारे ही इस तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक सूत्रबद्ध किया है। सूत्र यानी अफोरिज्म, बहुत ही संक्षिप्त, मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत गहरी बात करना, वो तत्वार्थ सूत्र उमास्वाति जी ने उसकी रचना की है। जैन धर्म के चारों फिर, मतलब जो हमारे चार फिर के मेन ग्रंथ गिनते हैं वो तो चारों में ये मान्य है। तो इस और कोई भी ऐसी फिलोसॉफिकल बात जैन धर्म की ऐसी नहीं है जो तत्वार्थ सूत्र में कवर नहीं होती। तो ऐसा कहा जाता है कि तत्वार्थ सूत्र का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम पूर्ण जैन फिलोसॉफी का एक ओवरव्यू दे सकते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि भले आचार्य सुरेंद्र सूरी जैन तत्व ज्ञानशाला की ओर से करें या ना करें, लेकिन तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास सभी जैनियों को करना चाहिए, ये एक मेरी खास रिकमेंडेशन है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हितेश भाई। डेफिनेटली आपके जो तत्वार्थ सूत्र के बारे में आपने जो बताया तो उससे काफी व्यूअर्स इंस्पायर भी हुए रहे, और मैं भी रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जरूर जुड़िए तत्वार्थ सूत्र के लर्निंग में भी। हमारे जैन टॉक्स के ऊपर चंद्रकांत जी मेहता भी जुड़े थे अमेरिका से, और उन्होंने भी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर बहुत सुंदर विवेचन दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये तो हमारी एक प्रकार की बाइबल है, यानी जिसके अंदर सब कुछ आ गया है और सब फिरकों को मान्य है। तो ऐसा सुंदर तत्वार्थ सूत्र, और मुझे लगता है कि आज आपने जो 5 प्रकार के ज्ञान का विस्तृत विवेचन दिया वो भी तत्वार्थ सूत्र का ही एक हिस्सा है, क्योंकि आपने बहुत ही डिटेल के अंदर इसको बताया, और इतना डिटेल में तो तत्वार्थ सूत्र में दिया है डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। विराम देने से पहले, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल खाओ, सर्वे जीवो मुख्य जाओ, आमेमी सब जीवे सवे जीवा का मंतु में मित्ति में सब भूवे सु वैरम मज्जन के नहीं सर्वथा सौ सुखी था हो पापन आप ही आचरो राग द्वेष की मुक्त
बनी नहीं समता सौ समाचारों।